पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं कादिर खान। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गांव-गांव में किया जा रहा है ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन। आज पन्ना के इतवारी बाजार हाट में दी गई वीवीपैट मशीन की जानकारी, मशीन की कार्य पार्टी से सभी को अवगत कराया। पन्ना कलेक्टर की पन्ना की जनता से अपील, पन्ना में भारी बारिश के चलते पुल पुलिया जो भी जलमग्न हो गए हैं वहाँ से आवागमन न करें। उन्होंने कहा सेल्फी के लिए जल स्रोत के करीब न जाएं। पन्ना जिला चिकित्सालय जो कि अपनी लापरवाही और डॉक्टरों की कमी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है, जबकि मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय पन्ना में बेडों की संख्या बढ़ाने की घोषणा भी की थी। हम आपको दिखाते हैं चिकित्सालय की जमीनी हकीकत। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, जहां बीमार मरीज अपना उपचार कराने के लिए चिकित्सालय में भर्ती होते हैं, उनका उपचार भगवान भरोसे ही चलता है और साथ में आए परिजन को खतरे का सामना करना पड़ता है। दरअसल बारिश के कारण जिला चिकित्सालय पन्ना में कुछ वार्डों में पानी भर जाता है, जिसके कारण मरीज और उनके परिजन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कोई गिर जाए, फिसल जाए, जो जाए मरीज तो वैसे ही परेशान। यहाँ पर लाइट और करंट है, एक बेड में तीन तीन मरीज लेटे हुए हैं। ये यहीं की कोई फोन भी तक से लगा नहीं रहा। यहाँ के लोग का बेचारी पानी भरा हुआ, कुछ किया जाए, पटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मरीज गिर जाए, मौत हो जाए, कुछ हो जाए। तकलीफ तो तकलीफ ही तकलीफ है। ये देखिए आप, बारिश के मौसम में इधर इतना पानी भरा हुआ है, कोई देख रेख नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा भाई एडमिट है, ये सामने यहाँ पे बिजली लगी हुई है, कोई देख रेख नहीं है। ये तो लापरवाही है सर। ये एक हादसे की जगह है, ये बगल में बिजली का तार लगा हुआ है, यहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है, किसी की भी डेथ हो सकती है। और क्या, गिर के सर पैर फिसल के हो सकती है, बिजली लगी हुई है यहाँ पे, आप देखिए जरा कैमरा घुमा के, किसी का भी कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पे। बरसात के पानी की निकासी न होने के कारण और छत के टपकते हुए पानी के कारण वार्डों में पानी भर जाता है, जिस कारण मरीज सहित उनके परिजन भी फिसल कर गिरने का डर बना रहता है। इतना ही नहीं, जिला चिकित्सालय के कर्मचारी और स्टाफ नर्सों को भी निकलने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। मरीजों के परिजन की माने तो फर्श से पानी होने की वजह से कोई गिर सकता है, जिस कारण से किसी को गंभीर चोटें आ सकती हैं। जिला चिकित्सालय में परिजनों का उपचार कराने आए लोगों की माने तो गैलरी में सर्जिकल वार्ड है और उल्टी दस्त के वार्ड है। बरसात का पानी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ है और दीवारों पर विद्युत कनेक्शन भी है, जिस वजह से लोगों को वार्डों में करंट फैलने का भी डर बना रहता है। वहीं पूरे मामले में जब जिला चिकित्सालय पन्ना के मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब देते हुए CMHO के द्वारा जल्द ही जल्द कमी को ठीक करवाने की बात करके अपना पल्ला झाड़ लिया। जैसा बताया था कि जाके मैं देखता हूँ वहाँ पे, और हमारे एक सर्जन को बुला के अभी उसका देखते हैं कहाँ से क्या कमी है, और देखिए तुरंत तत्काल उसको सही करा देंगे। वो बहुत जल्दी उसको सही करा लेंगे और ऐसा मतलब समस्या नहीं आ पाएगी, अभी ठीक है। एक अच्छी सेल्फी के चक्कर में देश दुनिया में ना जाने कितने लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर भी सेल्फी का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है। इन दिनों किलकिला वाटरफॉल की तेज प्रभाव के बीच एक शानदार सेल्फी के चक्कर में शहर के युवा उस मार्ग से निकलने वाले यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के तेज धार के करीब चिकनी चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। वहां जाने से रोकने के लिए न तो कोई पुलिसकर्मी है और न ही रेलिंग लगी हुई है। सेल्फी प्रेमियों को अगर रोका नहीं गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। का कुंड है और इसका एक प्रणामी धर्म से बहुत इसका जुड़ाव है और पन्ना की बहुत आस्था है इस कुंड से। सुरक्षा शासन प्रशासन हमारे यहाँ का एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
यहाँ पे छोटे छोटे देखिए आप बच्चे भी हैं, खड़े हैं, कहीं गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को आगे से यहाँ पे रहना चाहिए और पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो मौत की सेल्फी ही बोली जाएगी। और मेरा ये कहना है कि प्रशासन अगर मेरी बात को ध्यान दे या सुने तो यहाँ पे एक पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं और युवा भी आते हैं। कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? ये सर अपने यहाँ का पन्ना का स्थान है सर, अपन MP में आता है। और आप यहाँ देखिए सर ये नज़ारा, यहाँ इतना तेज बहाव है पानी का। और यहाँ पे मतलब ये है आपका थोड़ी भी अगर फोटो खींचा या कुछ भी पैर स्लिप होता है तो यहाँ कोई चांस नहीं है बचने का। तो आप यहाँ आप दूर दूर तक देख लीजिए, कोई सुरक्षा कर्मी का कोई भी इंतजाम नहीं है। ये है BJP के राज में, बिल्कुल बिल्कुल टोटल सर मौत की सेल्फी है, इसमें कोई चांस नहीं है बचने का। आप यहाँ आप खुद देख लीजिए दूर दूर तक, कहीं आपको कोई वो नहीं है। इतनी काई है, हर चीज है यहाँ पे, पैर अगर एक बार भी स्लिप हुआ तो कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को ये नहीं दिखता है कि यहाँ पे दो चार गार्ड खड़ी किए जाए या कुछ भी इंतजाम किया जाए, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ना रेलिंग लगा रहा है ना कुछ कर रहा है। वहाँ अपने पन्ना नगर के काफ़ी सारे लोग वहाँ झरना देखने जाते हैं। वहाँ नीचे कुंड है और काफ़ी ख़तरनाक भी है, ऊपर से पानी है और जो कि फिसलन है बारिश के कारण। तो वहाँ हम लोग, मैं भी राउंड लेने गया था वहाँ पे, कुछ लोगों को समझाइश दे के वापस आया हूँ। एक सब इंस्पेक्टर, 3 जवान लगाए हैं हम लोगों ने और कुछ व्यवस्था मंदिर में लगी है, तो एक आध महिला कॉन्स्टेबल भेज रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ नज़दीक न जाए पानी के पास में, और जो पत्थर है पत्थर में काई जमा हुआ है तो आसपास ना जाए। नीचे कुंड है, कुंड के नज़दीक में जाए, उनको समझाई दी जा रही है कि अगर यहाँ से फिसलने में गिरेंगे तो जानवर की खतरे का नुकसान है, तो ये बोलकर उनको समझाई दी जा रही है, दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। जहाँ प्रधानमंत्री जी घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, वहीं पन्ना के गुनोर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शौचालय ही नहीं है। विद्यार्थियों ने बताया हम सभी विद्यार्थियों को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार प्रबंधन से कहने के बाद भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। क्या क्या व्यवस्थाएं अपने स्कूल में? नियमित क्लास लगाई जाती है। पानी पीने की व्यवस्था है। बाथरूम वगैरह के लिए बने खुले में जाते हैं आप लोग? क्या नाम? गुनोर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जहां शौचालय ही नहीं है। बालक बालिकाओं को मजबूरी में शौच के लिए खुले में जाना पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने कई बार स्कूल प्रबंधन से कहा है, फिर भी प्रबंधन ने तो लापरवाही की हदें ही पार कर दी। राजेश शर्मा, गुनोर, PHN TV। अजयगढ़ वैसे पहाड़ों और जंगल के बीच स्थित है, यही कारण है जंगल में रहने वाले जीव अक्सर निकलकर लोगों के आसपास आ जाते हैं। आज अजयगढ़ में विशालकाय अजगर बस स्टैंड के पास एक दुकान में घुस गया। इस जानकारी के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि सांप पकड़ने में माहिर मन्नान खान है, जिन्होंने अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। मन्नान खान ने बताया कि यह अजगर लगभग 15 फीट का है। अजगर अजयगढ़ बस स्टैंड में आ गया था, जंगल पास से लगा हुआ था, इसी कारण वो यहाँ बस्ती की ओर, बस स्टैंड की ओर आ गया। और बड़ा ही खतरनाक अजगर था, और बड़ा अजगर था काफ़ी, और अगर वो उसके घात में कोई पड़ जाता तो वो उसको लील भी सकता था। और ये बहुत ही खतरनाक जानवर है वो अजगर, उसके जो दांत होते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके आराघाई होते हैं। मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, और मैं बचपन से करते करते आज 4-5 सालों से मैं ये रेस्क्यू का काम अजयगढ़, धर्मपुर, बकरों में, तीनों रेंजों में काम कर रहा हूँ। अजयगढ़ में एक होटल के पास आ गया था, और अजगर कम से कम 1 आदमी से भी लंबा था, मोटा भी था,
अजगर को। आज कांग्रेस पार्टी का भारत बंद रखा गया है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष वैभव थापक फोन पर जुड़ चुके हैं। वैभव, बताएं किस बात को लेकर भारत बंद रखा गया? कादर जी, कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे भारत में पेट्रोल एवं डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर, देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर एवं देश के सबसे बड़े घोटाले राफेल घोटाले को लेकर भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है। कल पन्ना में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन बड़े बाजार चौराहे पर इकट्ठा होकर पूरे शहर में भ्रमण करते हुए व्यापारी बंधुओं से, हमारी जनता से आग्रह करेंगे कि आप शांतिप्रिय तरीके से भारत बंद में हमारा समर्थन करें। जी, हमारे साथ युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष वैभव थापक जुड़े हुए थे। वैभव जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।